उत्सुकता बढ़ती जा रही है, 35 से 40 लोग लाइव सेशन में आ गए हैं। सवालों की फेरिस्त तो काफी लंबी है डॉक्टर साहब, परंतु अगले सवाल लेने से पहले मैं चाहूंगा, जो हमारा अगला सेगमेंट है, क्योंकि समय को भी हमें ख्याल में रखना है, क्योंकि कीट नियंत्रण, जो ये समन्वित कीट नियंत्रण को आधार रखते हुए फसलों का सुचारू रूप से प्रबंधन, क्रॉप मैनेजमेंट किसान भाई कैसे करें, इस पर जरा सा प्रकाश डालें। सरदार जी, सबसे पहले तो हम एक शब्द पे ध्यान देंगे। हमने यहाँ कहा है खरीफ फसलों में कीट प्रबंधन, यहाँ प्रबंधन और नियंत्रण। पहले एक शब्द उपयोग होता था कीट नियंत्रण, अब हम उपयोग करते हैं कीट प्रबंधन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं समन्वित इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं समन्वित कीट प्रबंधन। अब समन्वित कीट प्रबंधन की हमको जरूरत इसलिए पड़ी कि पहले क्या था कि जब भी फसलों को कोई कीट नुकसान पहुंचाता था, कोई नुकसान होता था, तो सीधे हमने कीटनाशक का उपयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जब हमको ये समझ में आया कि कीटनाशक हमारे मानव जीवन पर, हमारे पशुओं पर, हमारे पेड़ पौधों पर बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, तब कीट नियंत्रण की अप्रोच कीट प्रबंधन में परिवर्तित हुई। तो कीट प्रबंधन की जो अप्रोच है, उसमें सबसे पहला तो आपको समझने लायक ये है, जिसके आगे के हम दो सेगमेंट में भी चर्चा करेंगे, कीट प्रबंधन में ये है कि कीट प्रबंधन के वो तमाम उपाय, वो सारे उपाय, चाहे भौतिक हो, चाहे हमारे मैकेनिकल मशीनी यांत्रिक हो, चाहे रासायनिक हो या जैविक हो, सभी को हम समन्वित करके, इकट्ठा करके हम अपनी फसलों का, कीटों का प्रबंधन करते हैं। उसमें करते क्या है कि जिसमें सारे उपायों को हम अपनाते हैं और रासायनिक कीटनाशकों को हम सबसे अंतिम विकल्प के रूप में रखते हैं, क्योंकि नुकसान हमारे रासायनिक कीटनाशक ही कर रहे हैं, हमारे पूरे पर्यावरण को, संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, हमारे इकोसिस्टम को पूरे को डिस्टर्ब कर दिया है। तो हम फसल प्रबंधन में सबसे पहले बात करते हैं, अब चूंकि जो हमारा खरीफ सीजन है, उस खरीफ सीजन में हमारा ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, सोयाबीन, इस प्रकार की फसलें हमारी खरीफ में रहेंगी, तो किसान भाई हमारे क्या करें कि सबसे पहले तो चूंकि हमारी खेतों की तैयारी हो चुकी है, इसलिए सबसे प्रथम बारी आती है कि जब हम फसलों को बोएं तो खेतों को तरीके से तैयार कर लें, उसके बाद सबसे पहले जब हम बोने जाएं तो बीजों को बीजोपचारित कर लें। जहां तक मूंग, उड़द, सोयाबीन की बात आती है, उसमें मोजे की बहुत ज्यादा समस्या आती है। हमने देखा है कि खेतों में पौधे पीले पड़कर नष्ट हो जाते हैं और वो रोग दूसरे पौधों में फैलता है। ये रोग एक सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है, जो वायरस का संक्रमण करती है। वायरस से हम लोग अनजान नहीं है। आजकल कोरोना वायरस का हमारा में देश में, पूरे विदेशों में और पूरे विश्व में जो प्रकोप है, जिससे हम सभी लोग लड़ रहे हैं, सारे देश लड़ रहे हैं, पूरा विश्व में त्वरा मचा हुआ है उस वायरस से। इसी तरह से वायरस को, चूंकि हम लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जो मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, सभी वायरस को जानते हैं कि वायरस की तीव्रता और फैलाव कितना तेज होता है। तो इस जो मोजेक रोग को जो फैलाती है, वो सफेद मक्खी फैलाती है, तो सफेद मक्खी से बचाव के लिए, ताकि भविष्य में हमारा मोजेक रोग ना फैल पाए, हम अपने बीजों को बीजोपचारित कर दें। बीजोपचारित करने के लिए हमारे पास बाजार में उपलब्ध कीटनाशक हैं। अब यहाँ हमारी व्यवस्था है कि हमें कीटनाशक के द्वारा ही उपचारित करना होगा। यदि हम जैविक कीटनाशक से उपचारित करेंगे, जैविक कीटनाशक वैसे तो उपचार के लिए हमारे पास उपलब्ध नहीं होते अच्छे कोई भी, तो रासायनिक कीटनाशकों में इमिडाक्लोप्रिड और थायमीथोक्साम, जो 70 WS में आते हैं, इनके द्वारा 5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से दर से यदि हम इनको उपचारित करेंगे, तो सफेद मक्खी, फुदका या और दूसरे रस चूसने वाले कीट, उनसे नियंत्रण होगा, उससे 30 दिनों तक हमारी फसल का बचाव होगा। इससे किसान भाइयों, मित्रों, होगा ये कि हमारी जब सफेद मक्खी और इन कीटों का रस चूसने वाले कीटों का फसल पर प्रकोप नहीं हो पाएगा, वो चूस प्रारंभिक अवस्था में आएंगे, चूंकि हमारे पौधा पहले से ही उपचारित है, तो ये कीट प्रारंभिक अवस्था में ही मर जाएगा। लेकिन अगर कीटों में क्षमता है विकसित होने की, उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है, तो कीट फिर आगे विकसित होगा, आगे संख्या बढ़ेगी उनकी, जिन कीटों में रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है। लेकिन काफी हद तक आपका 30 दिनों तक आपको किसी प्रकार के कीटनाशक को छिड़कने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम बीजोपचारित करके अपनी फसलों को 30 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, बढ़ेगी उससे पूर्व हमें करना क्या है कि हमें, जैसा कि हम अपनी हर चर्चा में बात रखते हैं, एक प्रकाश पुंज की, लेकिन हमें बड़ा कष्ट होता है कि हमने आज तक किसानों के खेतों में जब भी हम गए हैं,
15 साल का मेरा अनुभव हो गया है कि किसानों के खेतों में गए, मुझे किसी किसान के खेत पर प्रकाश प्रपंच कभी भी नजर नहीं आया, जबकि हम बात करते हैं अपने हर प्रशिक्षण में। प्रकाश प्रपंच एक ऐसा यंत्र है जैसे हम किसी जमाने में हमने देखा हो मिट्टी के तेल से गैस वाली लैंटर्न चलती थी, जिसमें पंप से हवा भर के मेंटल होता था उसको लटका देते थे, शादी विवाह में घंटी चलती थी, उस तरह का एक यंत्र है जिसको हम लटका देते हैं किस खेतों पर, जिसमें टीन का बना हुआ होता है, फनल शेप होता है। जब चूंकि इन कीटों की प्रवृत्ति रात्रि में उड़ने की होती है, रात्रिचर कीट होते हैं, तो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। बरसात में हमने देखा है कि प्रकाश की ओर खम्भों की लाइटों की ओर कितने प्रकार के कीट आकर्षित होते हैं। जब ये कीट उससे प्रकाश प्रपंच की ओर आकर्षित होंगे तो उस लाइट की ओर, आजकल एलईडी बल्ब चल रहे हैं, एलईडी बल्ब को लगा सकते हैं, मरकरी बल्ब को लगा सकते हैं, पहले मरकरी बल्ब की ज्यादा डिमांड रहती थी, या फिर जो भी उपलब्ध है आपके पास आपके सुविधा के अनुसार जो भी बल्ब है उसमें उसमें आप लगा दें, और नीचे या तो उसमें बॉक्स होगा इस प्रकाश प्रपंच में, या प्लास्टिक की थैली बांध देते हैं। तो जितने कीट उस वातावरण में रात्रि के समय उड़ेंगे, वो सारे कीट, ध्यान रहे, वो कीट हमारी आने वाली फसल में भविष्य में अंडे देने वाले हैं, और उनसे इल्ली निकलेगी जिस जो हमारे फसलों की पत्तियों को नुकसान पहुंचाएगी, अंडे देकर उनको फलों को खाकर जो उनमें फूल पुष्प आएंगे फूल आएंगे उनको नुकसान पहुंचाएगी। इसके नर और मादा वो सारे कीट उस प्रकाश प्रपंच में की ओर आकर्षित होकर आएंगे और नीचे डिब्बे में एकत्रित होंगे, थैलियों में इकट्ठे होंगे, प्रातः काल हम उसको जब खोल के देखेंगे तो हमें काफी मात्रा में वहां वयस्क कीट उड़ने वाले वो सारे कीट उसमें इकट्ठे मिलेंगे, उनको उठाकर नष्ट कर दें, गड्ढे में गाड़ दें या कहीं पर उनको दबा दें। उससे होगा क्या कि वो कीट, अगर मान लीजिए एक आपने एक नर और मादा का अगर एक जोड़ा भी उसमें कीट उसमें हमारे प्रकाश प्रपंच में आया, भविष्य में 500 तक अंडे दे सकता है वो, मतलब एक मैं औसतन बात कर रहा हूँ, हो सकता है और ज्यादा भी दे, 500 के करीब एक जोड़े ने, अगर इस प्रकार के कई जोड़े हमारे उसमें आए तो हम सोचो हम खेतों में कितने अंडों को देने से रोक सकते हैं, और उन 500 अंडों से कम 50% इल्लियां तो निकलेंगी, वो इल्लियां धीरे 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 करके हमारी जब फसलों को नुकसान पहुंचाएंगी, खाएंगी, जब वयस्क बनेंगी फिर उससे कई और वयस्क बनेंगे। तो इसलिए अगर हमने प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार के लाइट ट्रैप को खरीद कर, ये कोई ज्यादा महंगा यंत्र नहीं है मित्रों किसान भाइयों, 1000 रुपए तक आप इसको, एक 1000 रुपए के भीतर आपका उस प्रकाश प्रपंच आएगा, इसको आप देख के बनवा भी सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप एक तसले में मिट्टी का तेल भर के उसमें कीटनाशक डाल के उसके बीच में बल्ब, उसके ऊपर एक बल्ब लटका के आप उसको रख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इससे आपको भविष्य में होने वाले कीटनाशकों का जो खर्चा होने वाला है वो आपका काफी हद तक बचा होगा। तो ये तो मैंने मित्रों लाइट ट्रैप की, प्रकाश प्रपंच की बात की, इसी क्रम में हम बात करते हैं फेरोमोन प्रपंच की, इसको हिंदी में यौन प्रपंच बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप को। ये फेरोमोन ट्रैप मित्रों हमारे 10-12 कीटों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, ये नियंत्रण के साथ साथ खेतों में हमारी मॉनिटरिंग करने के काम भी आता है। इसका मॉनिटरिंग का तात्पर्य ये है कि हमारे किसी फसल में यदि चना इल्ली, तंबाकू इल्ली या गुलाबी इल्ली, चितकबरी इल्ली, किसी का भी यदि प्रकोप होने वाला होता है तो इस फेरोमोन ट्रैप में यदि 4 से 5 एडल्ट वयस्क प्रतिदिन 3 रातों तक लगातार आते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि उनकी संख्या हमारे खेतों में आर्थिक क्षति स्तर से, आर्थिक क्षति स्तर एक हमारे कीट शास्त्र की भाषा में एक कहना चाहिए टेक्निकल शब्द है जिसको बोलते हैं कि कीटों की संख्या जब उतनी हो जाए कि वो किसानों को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाने लगे तभी हमें कीटनाशकों का उपयोग करना है, अन्यथा हमें कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना है। फेरोमोन प्रपंच में क्या, इसकी क्रियाविधि मैं आपको बताता हूँ। ये फेरोमोन प्रपंच भी जिस तरह हम जनरली मिट्टी का तेल डालते हैं, ट्रैक्टर वगैरह में आप लोग डालते होंगे, जो कीप होती है उसके ऊपर प्लास्टिक का जो रहता है जिससे चलम जैसी, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, उसमें कैप्सूल लगता है जिसको हम फेरोमोन कैप्सूल बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में ल्यूर बोलते हैं। उस ल्यूर में किसी भी कीट की, जिस कीट को हमें उसमें लेना है, जिसको हमें पकड़ना है, जैसे चना इल्ली का उदाहरण लेते हैं, चना इल्ली और उनमें तंबाकू इल्ली, दो का उदाहरण आपके सामने रखूंगा। चना इल्ली का जैसे यदि हमने उसमें कैप्सूल लगाया उस फेरोमोन ट्रैप में प्रपंच में, तो चना इल्ली का नर कीट ही उस फेरोमोन ट्रैप की ओर आकर्षित होगा। अब आप सोचेंगे उसमें ऐसी क्या खास बात है, उस ल्यूर में खास बात यह है कि उसमें मादा कीट की गंध होगी। ईश्वर ने हर प्राणी के अंदर फेरोमोन्स बनाए हैं, फेरोमोन वो केमिकल्स हैं जो मादा कीटों द्वारा, किसी भी स्पीशीज द्वारा, किसी व्यक्ति कहना चाहिए उसको, किसी भी जीव की स्पीशीज द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं और उसी जाति के
नर किया अपोजिट सेक्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इस फेरोमोन ट्रैप में जो कैप्सूल उपयोग होता है उसमें मादा की गंध होगी। नर ये समझता है कि मेरी मादा यहाँ पर है, तो उससे संभोग करने के लिए वो खिसता हुआ आता है और उस ट्रैप में चूंकि उसे मादा नहीं मिलती तो वहां उड़ने का प्रयास करता है, फिसल कर उस ट्रैप में फंस जाता है। उसके नीचे थैली लगी होती है, जिस तरह से हमारा मोजा होता है उस तरह की प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैली लगी होती है, उसमें से सारे नर कीट। इसमें मैं दोनों में अंतर का आपको कर दूं, चूंकि हमारे प्रकाश प्रपंच में सभी प्रकार के कीट आएंगे, नर और मादा कीट, और कीटों की जाति का भी उसमें कोई बंधन नहीं है, पर फेरोमोन में हमारा कीट विशेष ही आएगा, एक ही कीट आएगा, जिस कीट का कैप्सूल लगा होगा वही कीट आएगा। और इस कैप्सूल की वैधता, जिस तरह हमारी दवाइयों की वैधता होती है महीने भर, दो महीने, चार महीने या उसमें जो एक्सपायरी लिखी होगी, उसी प्रकार से हमारे इस कैप्सूल की वैधता 15 दिन होती है। खोलने के 15 दिन तक ये वातावरण में फेरोमोन्स रिलीज करता है जिससे हमारे कीट एकत्रित होते हैं। तो मित्रों, इन फेरोमोन ट्रैप को हम 4-5 फीट की डंडियां लेकर उन पर बांध दें अपने खेतों में, 7-8 पर एकड़ के हिसाब से इनको ज्यादा लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, कीट और ज्यादा आकर्षित होंगे। और इनमें हम निरंतर देखते रहें, जब नर कीट हमारे सारे इनमें आ जाएंगे तो नर के बिना मादा हमारे कीट अंडे नहीं दे पाएंगे, उससे हमारे फसलों में जो भविष्य में हमें कीटनाशकों पर खर्च करने वाले हैं वो हम काफी हद तक बच सकते हैं। इसके बाद कुछ रस चूसने वाले कीट भी हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, माहू है जिसकी सफेद मक्खी की चर्चा मैंने की, इस तरह के कीट के लिए हम चिपचिपे प्रपंच, एक पुट्ठे हमारे घर पर यदि उपलब्ध हैं उस पर पीला रंग लगाकर, उस पर गली हुई ग्रीस लगाकर खेतों में जगह जगह यदि हम उनको लटका दें, उस पर सफेद मक्खी, चूंकि आपने देखा हो कि जब माहू उड़ता है तो पीले रंग की ओर सर्वाधिक आकर्षित होता है, तो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी छोटे आकार के कीट हैं वो लगभग सभी पीले रंग की ओर आकर्षित होते हैं, चूंकि वहां पर उनको ग्रीस या चिपचिपा पदार्थ लगा मिलेगा तो वहां जाकर वो चिपकते जाएंगे। इस तरह से हमारी फसल रस चूसने वाले कीटों से काफी हद तक बच सकती है। सबसे अंत में मैं इसी क्रम में एक चीज बताना चाहता हूँ जिसको हम नहीं करते। हमने देखा मैना पक्षी को, हम सभी लोग जानते हैं मैना पक्षी को, देखा हो ग्रे कलर की जो स्लेटी कलर की पक्षी है, वो पक्षी इल्लियों को पकड़ने के लिए हमारी इल्लियों को बहुत बड़ी दुश्मन है। उससे अच्छा प्रेडेटर हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उसकी दृष्टि इतनी तीव्र होती है कि वो खेतों में अगर बैठती है देखे इल्ली को पकड़कर ऐसे खाती है, जो हमें दिखाई नहीं देगी वो इल्ली उसको दिखाई देगी। मैना पक्षी खेत में आए इसके लिए हमें जगह जगह टी आकार की एक आड़ी और एक खड़ी मुटियां बनाकर खेत में जगह जगह फसल की हाइट से ऊपर लगा दें जगह जगह। उससे क्या होगा कि जो मैना पक्षी होगा वो पक्षी आकर खेत में बैठेगा और इन इल्लियों को जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही है उन इल्लियों को पकड़कर अपना भोजन, क्योंकि उसका प्रिय भोजन है, उसको पकड़कर वो नष्ट करेगा। और इस प्रकार किसी भी प्रकार की इल्लियां जो हमारे खेतों में होंगी उनकी संख्या को हम रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाई मित्रों हम फसल के प्रबंधन को कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, बड़े विविध तरीके से, बड़े ही डिस्क्रिप्टिव वे में आपने कुछ ऐसे ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश डाला जो किसान भाई जिसको बहुत ज्यादा कारगर नहीं साबित समझते हैं, परंतु यदि जैसे आपने प्रकाश प्रपंच, लाइट ट्रैप, गंध पास, फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, इन सब की विषय पे आपने मुख्य जो है जोर डाला, किसान भाई इसको यदि अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे तो फसल प्रबंधन खास करके कीट नियंत्रण, कीट प्रबंधन में बहुत कारगर साबित होगा। परंतु इसी बीच हमारे कई व्यूअर्स का, डॉक्टर साहब, और मैंने भी देखा है, जी हाँ, एक इसकी समस्या आती है कि इसकी उपलब्धता एक बहुत बड़ा जो है चुनौती है। यदि किसान भाई इसको दुकानों पर खरीद जाएंगे, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि सभी लोग कृषि प्रणाली से जुड़े हुए हैं, चाहे तो जानबूझ के या शायद नहीं रहने के कारण, मतलब आई एम नोबडी टू कमेंट, मुझको इस पे बहुत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, तो इस या तो दुकानदार देते नहीं है या तो उनके पास होता नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पे जरा सा थोड़ा सा प्रकाश डालें। सिद्धार्थ जी, आपके साथ में इस समय एक मैडम अरविंदर कौर जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको भी जानकारी है और मैंने भी मंगाए हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस तरह की है कि इन चीजों को हम बढ़ावा देना ही नहीं चाहते, ये हमारी चिंता का सबसे बड़ा विषय है। क्या होता है ना कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, हम लोग चूंकि इस कार्य में है कि हम लोगों को किसानों को प्रशिक्षण देना है, लेकिन उसको साथ ही हमारे लोग हैं और बहुत सारी ऐसे जिनके पास पैसा है, जिन कंपनियों के पास, वो केवल अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी उपलब्धता का आधार यही है कि यदि वो चीजें आ गई तो फिर उनके प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाते हैं। समस्या ये है, उनकी मार्केटिंग पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए अगर जिसको भी जरूरत हो तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर उपलब्ध करा सकता हूँ। भोपाल में एक रामनिवास मीणा जी हैं,
हमने आपने जैसा सेंटर पर भी फेरोमोन्स मंगाए हैं, उनके पास एनपीवी भी उपलब्ध हो जाएंगे, ये जितने जैविक कीटनाशक हैं आपको चाहे फेरोमोन ट्रैप्स, फेरोमोन में 11 प्रकार, ये पेस्ट कंट्रोल इंडिया है, बेंगलोर की ये कंपनी है जो इस प्रकार के बनाती है, सबसे अच्छे ल्यूर बनाती है ये, जिसके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की फेरोमोन्स हैं, जिसके पास एनपीवी है जैविक कीटनाशक की कीटनाशी, आपको बीटी भी मिल जाएगा उनके पास। मैं उस कंपनी का नाम लेना नहीं चाह रहा था, चूंकि उपलब्धता नहीं है इसलिए मुझे लेना पड़ा, क्योंकि हम किसी के प्रचारक नहीं है कंपनी के, लेकिन चूंकि उपलब्धता किसानों को हो इसलिए मुझे मजबूरी में नाम लेना पड़ा उनका। तो वहां से जो एक प्रतिनिधि है श्री रामनिवास मीणा जी, वो करते हैं। अब आवश्यकता ये है कि इसकी पॉपुलरिटी जितनी ज्यादा होगी मुझे अति खुशी होगी, क्योंकि हम इसके लिए कल भी किसी से बात हो रही थी आपके मनोज जी से, तो उनका फोन आया था कि सर आप बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद नहीं है, ये तो हमारी ड्यूटी है कि अवेयर करना, यदि हम नहीं जगा पाए अपने किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को, तो फिर हमारा इस प्रोफेशन में रहना बेकार है, हमारा इस व्यवसाय में रहना बेकार है। जो हमारा किसान कष्ट से दबा हुआ, हम देखते हैं कि प्रति वर्ष हमारे कितने किसान आत्महत्याएं करते हैं, तो हमको बड़ा कष्ट होता है इस चीज के लिए कि उनके पास प्रॉपर जानकारी नहीं आ जाती कि इतने साल बाद भी हमारे किसान को पास स्थिति इतनी दयनीय है। जी डॉक्टर साहब, तो आशा करते हैं जिन किसान भाइयों को भी शंका थी कि इसकी उपलब्धता कहाँ होगी, सबसे मुख्य बात है जो आज किसान भाई मैं देखता हूँ, वैज्ञानिकों, कृषि विज्ञान केंद्र तथा कृषि संस्थाओं से ना जुड़कर ज्यादातर जो दुकानदार हैं उस पर भरोसा ज्यादा अधिक होने लगा है। तो एक ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है जिसकी कमी आ रही है किसानों के ऊपर, खास करके जो हमारे संस्थानों के ऊपर, सरकारी संस्थानों के ऊपर, इस एटीट्यूड को बदलना होगा और वैज्ञानिकों को विश्वविद्यालयों पे, कृषि विज्ञान केंद्रों पे, कृषि संस्थानों पे इससे जुड़कर हमेशा कारगर यदि रहें तो सटीक चीज, सटीक दवा कहाँ कहाँ मिलेगी, इसकी बहुमूल्य जानकारी किसान भाइयों को मिलेगी।